सरकार के विरोध में उत्तरी क्षेत्र के किसान का सभा का संवाद कार्यक्रम सोडावास कस्बे में मंगलवार को दोपहर 3 बजे टीकाराम चुली की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर टीकाराम चुली ने कहा कि केंद्र सरकार को किसान विरोधी तीनों बिलों को वापस लेना होगा। इस अवसर पर संवाद कार्यक्रम के आयोजक कांग्रेस मुंडावर प्रभारी पंडित गोपीचंद तारा शर्मा मेजर कविता यादव ने कहा, केंद्र सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए खेत में मेहनत कर देश की जनता का पेट भरने वालों को सड़कों पर लाने देने वाली केंद्र की भाजपा सरकार को तीनों बिल वापस लेने व किसानों से माफी मांगने की जरूरत बताई। इस मौके पर किसान विरोधी कानून किसान संवाद कार्यक्रम के संयोजक पंडित गोपीचंद तारा शर्मा मेजर कविता यादव किसानों का आभार जताया। मंच का संचालन कुलदीप शर्मा जजारपुरा ने किया। पुलिस की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रही। इस मौके पर सोडावास सरपंच सीमा सरजीत चौधरी केजी कौशिक राव विकास ओम प्रकाश यादव रिंकू गुप्ता अवधेश भारद्वाज योगेश मिश्रा बीना गुप्ता ललित यादव धर्मचंद्र बोहरा डॉक्टर गौरव यादव अजीत महुआ रोहिताश्व चौधरी पूर्व प्रधान बाबूलाल यादव देशराज यादव विजय यादव नयागांव यादराम भजनवास डॉक्टर दिलीप यादव मनीष यादव मुंडनवाड़ा सेवानिवृत्त हेडमास्टर ने किसान संवाद कार्यक्रम में अपने विचार रखे। और आज से नहीं, आज पूरा एक महीने से ऊपर हो गया। एक महीना किसको कहते हैं? लाखों लोग दिल्ली के चारों तरफ से बोल रहे उस पर, लेकिन ये सरकार उनकी सुनना नहीं चाहती, उनसे बात नहीं करना चाहती। टीवी जो है सिर्फ सरकार की बात कहता है। आप लोगों को भी पता है, हमारे को नजदीक में बॉर्डर के ऊपर ये सारा आंदोलन चल रहा है। ये कानून किस लिए आया है, छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक कानून ये बनाया है।